हरियाणा में अपने जन सरोकार अभियान के तहत स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्हें बताया नहीं उन्होंने कि बीजेपी ने क्या क्या वायदा किया था। जो भी वायदा किया था शराब को कम करने का, शराब डेढ़ गुना हो गई। वायदा किया था बेटी को बचाने का, बलात्कार बढ़ गए, अपहरण बढ़ गए। वायदा किसान से किया था, मोदी जी ने कहा रोहतक में कि 600 लोगों के नए मकान बने हैं, मगर मोदी जी वायदा क्या था? वायदा तो था कि 2 लाख रुपए से कम इनकम हरियाणा में जिसकी भी होगी उन सब के लिए 2-2 कमरे के मकान बनेंगे, 20 साल तक उसकी किस्त दी जा सकेगी, ये कहाँ हुआ? वहीं योगेंद्र यादव ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में विपक्ष के नाम पर कांग्रेस, जेजेपी सभी अपनी अंदरूनी कुश्ती में मशगूल हैं। स्वराज इंडिया पार्टी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और विधानसभा चुनाव में दम दिखाने को तैयार है। R9 TV के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।